Sudarshan? Hey guys, very good afternoon to all of you. you very good. Chalo. Hi guys, hope all of you are doing great. And welcome to the second session of Need Paper Discussion.

थोड़ा सा इधर उधर था बट बट नाइनटी नाइन फ्रॉम एनसीआर जस्ट डू द एनसीआर का बुक एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल वॉट आर वी डूंग इन एनसीआर चैनल और हर, हर सेशन के बाद हम लोग दस दस क्वेश्चन करते हैं एवरी डे ठीक है एंड ट्रस्ट मी गाइज मेनी क्वेश्चन क्लास है पेपर मतलब ऐसा कुछ हमने पढ़ाया हाँ पढ़ाया तो तो हमने कि एग्जाम इन ट्वेंटी 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 थ्री गाइट प्लीज अंडरस्टैंड दिस ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड दिस की बस एनसीआर पढ़ लेना अच्छे से ठीक है उसके एग्जाम्पल अच्छे से करो और मल्टीपल क्वेश्चन करो

क्वेश्चन जस्ट स्टे विद मी ताकि आपको पता चले कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है ठीक है यस वेरी गुड चलो आगे चलते हैं बेटा वेदांत का अमेजिंग सा सीबीएसई का टर्म वन का क्रैश कोर्स है विच इज फॉर सिक्सटी थ्री हंड्रेड रुपीज है ना इसमें क्या है इस टर्म वन एज यू ऑल नो टर्म वन विल बी है नवंबर से डिसंबर के बीच में होगा ठीक है बच्चे एंड बेटा टर्म वन की इंपॉर्टेंस फिफ्टी परसेंट है जो आपका बोर्ड का स्कोर आएगा फिफ्टी परसेंट विल बी टर्म वन एंड फिफ्टी परसेंट टू ठीक है फिफ्टी परसेंट टर्म वन एंडी परसेंट टर्म टू और अगर मान लो टर्म टू के टाइम में कोविड का पीक हो गया तो द द वेटेज ऑफ टर्म वन विल इंक्रीज है ना एंड इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर टर्म वन बाय गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस डोंट टेक इट लाइटली ऑब्वियसली एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन होगा ठीक है तो यू डोंट टेक इट लाइटली सॉल्व द सैंपल सैंपल पेपर पेपर करो अगर आपको लगता है कि सैंपल पेपर में यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन एटी परसेंट क्वेश्चन से कम स्कोर कर रहे हो देन आई वुड से यू शुड गो फॉर दिस टर्म वन क्रैश कोर्स ठीक है और अगर आपको लगता है आपने स्टार्ट ही नहीं करा है जिंदगी में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट ही नहीं करी है क्लास ट्वेल्थ में आ गए हो और तुम्हें लगता है कि हेल्प चाहिए तो दिस इज द कोर्स फॉर यू ओके यू कैन डेफिनेटली स्कोर ग्रेट इन दिस दस अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and if you use the code A R A Pro, if you use the code A R A Pro, you will get extra 10% off. You will get extra 10% off. ठीक है? चलो, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा. Yes. हम्म. तो बोर्डिंग के क्वेश्चंस करते हैं. चलो गैस, जल्दी से ट्राई करो. This question is very easy.

देन अनदर सेट ऑफ बर्ड्स कम दो सेट ऑफ बर्ड्स एक ही जगह पे रहते हैं दोनों को सेम चीज खाना पसंद है तो होता क्या है बेटा एक जो बर्ड है वो ऊपर वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएगी और दूसरे वाली बर्ड नीचे वाले एरिया का फ्रूट खाएंगे समझ लो देव पार्टीशन इससे क्या होगा दोनों सर्वाइव कर पाएंगी ठीक है कॉम्पिटेटिव रिलीज में क्या होता है बेटा सडनली सडनली एक, एक जो कॉम्पीटिंग स्पीशीज होती है ना उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरा वाली एक्सटिंक्ट हो जाती है ठीक है, रिलीज़ प्रेडेशन म्यूचुअलिज्म में तो होता ही नहीं है प्रेडेशन में तो एक तो अंडर डेंजर होता ही है है ना म्यूचुअलिज्म में दो so resource, इस है ना बेटा? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब दो स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन है ठीक है विच कंपीटिंग स्पीशीज माइट सर्वाइवल

डेड सेल्स आर इन वॉट इज दू है ट्रस्ट मी ऑन दिस मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैकिंग नीट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो ना तो जो आपने क्लास एट्थ में नाइन्थ में टेंथ में बढ़ाया वो भी अपने आप आउटफ्लो करने लगेगा समझ रहे हो बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो आपको जो आता है वो भी गलत करके आते हो अब बच्चे मुझे कॉन्फिडेंस कैसे करें बेटा इतनी मेहनत कर डालो इतनी मेहनत कर डालो कि आपको लगे कि यार मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा यू शुड बी लाइक दैट कॉन्फिडेंट मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट बताओ प्यूरिफिकेशन हम डीएनए कर रहे हैं तो जब चिड़ क्या होता है एक डायग्राम भी अगर आप देखोगे ठीक है तो ऑब्वियसली वो डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है निकालते हैं सर्फेसन गटेशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर लॉस इन लिक्विड फेस अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सर्फेसिस ठीक बेटा बताओ क्या होगा गटेशन इज लॉस ऑफ वॉटर इन द लिक्विड फेस ठीक है देन सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस होता है मेरे ख्याल से कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन अमाउंट द वॉटर मॉलिक्यूल यस हम देन अडेशन थोड़ा सा ट्रिकी है अडेशन का क्या है अडेशन इज यस गाइस

डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर से आके लगा है। that is, yes guys, अरे मेरे बच्चे बी नहीं है <laughs> देखो बेटा देखो। पॉलिनीशन तीन तरह की होती है ऑटोगी मतलब सेम फ्लवर के एंसर से सेम के स्टिग्मा दैट इज ऑटोगी गीटनोगी सेम प्लांट उसका दूसरा फ्लवर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से यहां पर आ गया दैट इज गिटनोगी जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट कोई तीसरा प्लांट है उसके फ्लावर ऑफ से हाँ oh, सेंट्रोमियर बताओ सेंट्रोमियर डिवाइड कब हो जाता है Guys, बताओ। ठीक है यहां पे किसकी बात कर रही है मियोसिस की चल रही है तो किस मियोसिस के फेस में ट्रोमी वो डिवाइड हो जाता है ऑन। एक्जेक्टली गाइज एनाफेस है ना प्रोफेस में क्या होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेल डिसअपियर होता है मेटाफेस में वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है एनाफेस में वो सेपरेट होता है बट यहां पे एनाफेस टू है क्यों? मियोसिस में बेटा क्या होता है

बच्चे को बताओ अभी जस्ट हमने थोड़े दिन पहले प्लांट किंगडम बनाया था मैंने बताया जम्मे आएंगे यस यस आ गए फाउंड इन द लिवर वर्ड्स वेरी गुड नेक्स्ट वन द प्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ दाइगोड इन द एन एफ टू प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड एज बुलेट स्क्वायर पंच स्क्वायर स्क्वायर पुनेट नेट स्क्वायर बताओ ये क्या है ये किस तरह का आसान सवाल है पुनेटकर से आप पता लगाओगे हमें पता है ये पुनेट अंकल के साथ हम बचपन से खेलते आए हैं ना पुनेट अंकल के साथ टेंथ क्लास के खेलते आए ग्रेट आगे चलते हैं थोड़ा सा द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज ठीक है फाउंडर्स इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज मतलब क्या है देखो बहुत सारे लोग यहां पर हंसी खुशी रह रहे, रहे थे देर मेनी पीपल स्टेइंग हैपीली हियर ठीक है इनमें से कुछ लोगों ने जाके एक नई कॉलोनी शुरू कर दी ठीक है और यहां पे शुरू कर दी तो गाइस सी द पीपल हु हैव कम ओवर हियर दे विल इवेंचुअली बिकम मतलब दे विल हैव अ डिफरेंट जीन पूल और इनका जो एवोल्यूशन होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएगा इनका जो एवोल्यूशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएगा चलो मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूं जैसे कि ना एक मान लो कैटॉग करके स्पीशीज थी क्या है केटॉग

अलग जगह पे जाके वो लोगों ने एक नई कॉलोनी एस्टैब्लिश कर दी एंड ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स दे बिकम यस न्यू डिफरेंट स्पीशीज बेटा कैटलॉग इज जस्ट अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बेटा हाइपोथेटिकल इसमें कुछ मतलब नहीं है ये मेरा बनाया हुआ एग्जांपल है खुद का पेटेंटेड बाई अमृतसर ठीक है इट इज माई पेटेंटेड एग्जाम्पल कुल चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन जेनेरा लाइक सेलाजिनेला प्रोड्यूस टू ऑफ स्पोर सच प्लांट्स आर नोन एज बताओ दो तरह के पोर्स बना रहे हैं तो क्या होंगे वो वो होंगे हमारे हेटेस हेटेस ये तो बेटा नो ब्रेनर है मतलब इंसान देख के ही कर लेगा कि हाँ भैया मैंने बताया ना होमो मतलब सेम टाइप हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स होमो मतलब सेम टाइप हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स री गुड नेक्स्ट वन प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस अबिलिटी सिटी ठीक है ये क्या कहती है प्लांट प्लांट अपना प्लास्टिटी मतलब अबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट फेज लाइफ यूजिंग डिफरेंट मेथड ठीक है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक सिटी फॉलिंग प्राइमरी जो प्लांट बनाता है समझ रहे हो? Example, जैसे कि आपने पनीर बनाया घर पे ठीक है तो दूध से आपने पनीर बनाया ना दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट और पनीर का आपने कड़ाई पनीर बनाया दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब उसको पनीर को यूज करके आपने कुछ और चीज बनाई है

ये भैया ये सवाल तो हमने कराया था बीच में अभी एक दो दिन पहले हमने कराया था है ना <laughs> नीट वालों ने हमारा क्वेश्चन चोरी कर लिया क्या कहते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैं बता रहा हूं बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाया करो मतलब उसमें ही आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी जिंदगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो जीवन में मजा आने लाइफ हो जाएगा ठीक है यस yes. बेटा डीएनए से एम आर एन ए बनने को कहते हैं हम सॉरी ए बी सी ना डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है उसको कहते हैं हम ठीक है चलो डीएनए से आर एन ए बनता है ट्रांसक्रिप्शन तो ठीक है एम आर एन ए से प्रोटीन बनेगा यस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अच्छा ये तो नहीं है एंड प्रोटीन आंसर इज सी है ना रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है एम आर एन ए के ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है आंसर इज सी हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स सेंट्रोमियर भैया दो मिडिल में है तो क्या होगा ऑब्वियसली मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक है ना यस गाइस सेंटर में सेंट्रियर होता है एक्रोसेंट्रिक एंड टीरो पोजीशन देख लेना ठीक है मेटा मतलब बीच में सब मेटा मतलब थोड़ा एक आम छोटा एक बड़ा यस गाइस yes समझ में आ भी रही है कि क्या कर रहे हो बता कोई को रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है जीवन में आज यस परफेक्ट चलो दे, बेटा देखो जो सेल हमने इस स्टार्टिंग में ना कल क्लास के स्टार्टिंग में हमने देखा था वेटेज किसकी ज्यादा है किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करना ठीक है डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड

थेरेपी जब हम एक पर्टिकुलर जीन को टारगेट करके उसकी डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं इट इज जीन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनीशियस। मोनीशियस मतलब हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑन द सेम प्लांट बताओ कैरिका पपाया खारा मार्खशिया पॉलीमोर्फा साइकस द फॉलोइंग इज मोनिशियस वेरी इजी यस गाइस खारा इज मोनिशियस गाइस याद है प्लांट किंगडम गाइस अच्छे से कर लेना

देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन क्यों उसमें तो काम नहीं होता ना प्रोटीन निकालने में क्यों काम आएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए सेगमेंट की है ना उसको हम ऑब्वियसली डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना कि क्या डिसीज है जीन एम्प्लीफिकेशन में हम कर सकते हैं है ना जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन इसके लिए भी कर सकते हैं बट वी कैन नॉट यूज इट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड जीन वेरी गुड नाउ वेरी गुड गाइस तो लेट अस सी हम थाइलोकोइड यस ऑब्वियसली थाइलोकोइड प्लास्टिड्स में होते हैं सेंट्रोमीयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ़ क्रोमोसोम क्रिस्टे इन फोल्डिंग्स ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर नेट डिस्क शेप्ड साक्सिन कॉल गाइस आंसर इस सी एंड क्रिस्टे इजी है मतलब देखो अगर आपको देखो ये तो पता ही होता है सेंट्रोमियर का वन सी का वन सी का वन अगर आपको ये पता था तो आंसर इज शॉर्टेड इसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन का पता था तो इट इज बी शॉर्टेड है ना डाया डेल्फा स्टेमेंट आर फाउंडेड बयाडेल्फस क्या होता है मतलब द एंस आर ग्रुप्ड इन टू

ठीक है तो आप उस ग्रुप के एक इंडिविजुअल के बारे में बताएंगे और पूछेंगे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है समझ रहे हो तो ऐसा होता है यस नाउ अगेन ये गाइस दिस इज स्ट्रेटजीज ऑफ ऑफ एनहांसमेंट फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ओके डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन उठाए हैं यस प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन ले पोमेटो पोटैटो टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट को मिक्स कर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है है ना साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उन दोनों को फ्यूज करके पोमेटो बनाया इन्होंने है ना देन यस मेरिस्टम कल्चर टोटी माइक्रो प्रोपोगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर से दे प्रोड्यूस्ड वायरस ट्री प्लांट माइक्रो प्रोपोगेशन से दे प्रोड्यूस्ड सोमा क्लोन्स ठीक है गाइस डायरेक्टली गिवन इन द बुक डी का क्या था थ्री है ना एक्जैक्टली गाइस इट इज देयर इन द बुक है ना लास्ट पेज पे आई गेस लास्ट से एक दो पेज उस तरफ है है ना वेरी इम्पॉर्टेंट कि यू स्टडी टिल द लास्ट पेज मतलब पूरा का पूरा पढ़ो टिश्यू कल्चर जल्दी बच्चे लास्ट के दो तीन पेज छोड़ देते हैं पूरा चैप्टर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और लास्ट के दो तीन पेज छोड़ देते हैं say, के दो तीन पेज छोड़ दो बट लास्ट के मत छोड़ो ठीक <laughs> yes. है सर प्री बोर्ड आ रहा है बेटा हम रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का तो हमने पोर्शन खत्म कर दिया है तो वी आर गोन स्टार्ट रिविजन फॉर टर्म वन एग्जाम है ना

है ना नॉट अफेक्टेड एट ऑल एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को अफेक्ट नहीं हो रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोसेस अस्पीक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल 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 साइटोप्लास्मिक ऑर्गेनल्स माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स

टिपिकल सैक एट मेच्योरिटीज ये तो मतलब सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना यस गाइस इट इज एट न्यूक्लियट एंड सेवन सेल्ड याद है ना दो पोलर न्यूक्लियर बीच में होते हैं तीन एंटीपोडल एग है ना चे? तो एक दो तीन चार पांच छ ये पूरा सात सेल बट न्यूक्लियस कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ न्यूक्लियस

यस yes, बच्चों तो बच्चों आपको लग क्या रहा है डू यू फील अबाउट दिस पेपर ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है इस बार नीट देते तो फोड़ क्या आते रिया <laughs> <इसा. laughs> को लग रहा है इस बार नीट देते तो फोड़ क्या आते बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है उसमें है? मतलब यू शुड बी एबल टू डू आई गेस एज पर माई नॉलेज सेवेंटी एटी परसेंट तो आराम से आप कर ही लेते कोई भी बेटा <laughs> चलो आगे चलते हैं लाइफ में म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय यस गाइस म्यूटेशन बेटा गामा रे से हम इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस बाय द गामा ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट एनर्जी इन इज ऑलवेज अपराइट देखो बेटा देखो ये दोनों इनवर्टेड अपराइट इट इज इनवर्टेड बी ठीक है देखो ये दोनों अब इसको तो मतलब अगर आप लॉजिक भी लगाओ ना तो इन दोनों में से ही एक गलत होगा ठीक है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होता है अपराइट नहीं होता बायोमास का िड ऑफ बायोमासन सी इज इनवर्टेड ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट वन देशन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसिज इज ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर इेस्पिरेटरी लॉसेस फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि मैंने कुछ खाना खाया है ना उससे मैंने मसल वसल बनाए है ना बट जो मैंने खाना खाया उसको मैंने एनर्जी की तरह यूज भी करा है बहुत सारी एनर्जी यूज करी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बहुत सारा एनर्जी यूज हो रही है और मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं तो ये लॉस हो गया अगर कोई लाइन आके मुझे खाता है मान लो एक शेर आ गया उसने मेरे को खा लिया तो ना उसको मेरी पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी उस मेरी जो रेस्पिरेटरी लॉस वो लॉस हो चुका है यस yes. समझे बच्चे वाह <laughs> तो ऐसा है चलो तो आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूस कैराजीन अगेन वेरी इजी रेड एल्गे प्रोड्यूस कैराजी बहुत ही इजी डायरेक्ट प्लांट किंगडम का तो मतलब मैं कहता हूं कितने क्वेश्चन आया बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आया द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीओ टू फिक्सेशन इन सोरगम इज गाइस सोरगम सी फोर है ना शुगर केन ऑब्वियसली इट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड ठीक है बच्चे

देखो बड़ा प्लांट का एनाटॉमी के पार्ट से आया क्वेश्चन है ना बट लेंटी सेल्स तो बहुत बेसिक होता है ये पता होता है कि देखो, प्लांट में क्या होता है ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल स्टोमेटा में तो सॉरी लीफ में स्टोमेटा होता है ब्रांच जो कह रहे स्टेम स्टेम में एक्सचेंज कैसे हो स्टेम में ऑक्सीजन कैसे जाता है देयर आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम कॉल्ड एज लेंटी सेल्स जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाता है और रेस्पिरेशन होता है देन रूट्स में रूट इन रेस्पिरेशन वेरी गुड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एडीएच गिव एटीपी मॉलिक्यूल एंड वन एफ एडीएच राइज टू थ्री यस मॉलिक्यूल ये उल्टा है ठीक है एनएडीएस तीन देता है मॉलिक्यूल तो देता है यस yes. वेरी गुड ये थोड़ा सा फ्लोरल फॉर्मुला वगैरह मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लवरिंग प्लांट ठीक है बेटा इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा है ना यस ए का इट इज थ्री बी का इट इज फोर एंड यस सी का इट इज टू लीलिए एंड यस डी का इट इज वन ब्रास ब्रास थोड़ा सा मतलब मुझे तो पसंद नहीं आता ये है. <laughs> है ना ये फ्लोरल फॉर्मुला मुझे तो पसंद नहीं आता पर्सनली बट या बट या दिस वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी लाइक यू नो या मैं बॉटनी में पढ़ाता हूँ बट ये लिली वेसी सोलनेसी इनके पेटल कितने इनके सेपल कितने हैं है ना होम यू नो मोनीशियस है डाइशियस है ये पता लगाने में जिंदगी तबाह हो जाती है यस बेटा वी विल ट्राई टू टीच यू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ट्रस्ट मी आप मेरे से पढ़ लो एनाटॉमी आपको लगेगा क्या आसान है <laughs> मतलब मैं एनाटॉमी पढ़ाता हूं तो मतलब इट इज लाइक काइंड ऑफ इजी जब मैं पढ़ाता हूं एनाटॉमी और मोफोलॉजी आई विल टीच यू इन अ वे यू वुड बी लाइक इट इज सो डैम इजी ग्रेट जॉब नेक्स्ट वन यस एस फेज में क्या होता है ये तो बहुत ही आसान है डिनर एप्लीकेशन होता है, है ना क्वीसेंट फेज में वो इनएक्टिव होता है है ना जी वन इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशियल द डीएनए रेप्लिकेशन जी टू में प्रोटीन सिंथेसिस होता है बच्चों तो ये बहुत ही इजी सवाल थे तो मतलब मैं क्या ही बताऊं हाय मेरे न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है देन प्लास्मिड पीबीआर थ्री ट्वेंटी हैज पीएसटी One restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance. If enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid inserted in an E. coli strain, it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. The transformed cell will have ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase. It will lead to lysis of the host cell. इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी। बेटा देखो एम्फिसिन वाले में हमने एक नया जीन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया जो एम्फिसिन की रेसिस्टेंस थी वो चली गई जो एम्फिसिन की रेसिस्टेंस थी वो चली गई तो इससे क्या होगा एम्फिसिन की रेजिस्टेंस चली गई तो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एम्फिसिन रेसिस्टेंस आंसर इज ए identify the correct statement In caping, methyl guanosine triphosphate is added at the 3 dash end of the heterogeneous nuclear rna rna polymerase binds with rho factor to terminate the process of transcription in bacteria the coding strand in transcription unit is copied to an mrna okay the split gene arrangement is a characteristic of a prokaryotes exactly guys

इस गाइस सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है ताकि वो बड़ा होता जाए और जैसे ही वो टर्मिनेटर पे आता है रो फैक्टर हमारा उसको काट के नीचे कर देता है ओके वेरी गुड कैपिंग इज डन एट अ फाइव डैश एंड है ना बेटा द कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू द एम आर एन ए नो द टेंपलेट को देख के हम लोग उस पे यू नो देयर आर टू स्ट्रैंड्स टेंपलेट स्ट्रैंड एंड अ कोडिंग स्ट्रैंड है ना टेम्पलेट स्टैंड को देख के एम आर एन ए बनता है एंड एम आर एन एज द कोड ऑफिंग स्टैंड ओके गुड इट इज सीन इन द इज सीन इन है ना अ नॉर्मल जीन्स नाउ डेज इट रिस्पॉन्स पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाइंग रेडियो एक्टिव प्रो टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए इन अलोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया एक जीन की जो म्यूटेशन है ना उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रो रेडियो प्रोब हमने एक डाला वो जाके पूरे डीएनए पे चिपक जाएगा ठीक है नाउ ऐसा हम क्यों कर सकते हैं है बेटा क्योंकि देखो मान लो मेरे पास एक पूरा डीएनए है पूरा डीएनए है है ना मुझे पता है डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या है, है ना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या है तो मैंने वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना के उनको रेडियो एक्टिव करा के डीएनए के पास भेज दिया

ज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट है ना म्यूटेटेड जीन नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोप डाला ही नहीं है समझा बच्चों हम मेरे बच्चे <laughs> ये पढ़ लो यार मैं तो बता रहा हूं द एक्सपोरशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टीवल टू एन ओ टू दी पावर बेस ऑफ नैचुरल एल्गोरिगोरिदम ठीक है ये इकोलॉजी वाले यूनिट है बेटा ठीक है इसको मैंने पढ़ा रखा है बार जाके देखना इसको नेक्स्ट वन सेलेक्ट द करेक्ट पेयर यस गाइस सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ केम्बियम ये क्या हो गया ऊपर नीचे हो गया इंटरफेस्टिकुलर के बेटा सेल्स ऑफ अ मेडुलरी रेस दैट अ पार्ट ऑफ द केमियल वर्ड इंटरफेस्टिकुलर ये गाइज केम्बियल

एक्टिव रहते हैं मतलब दे डोंट डाई रोसेसी एंड लेगुमिनो लेगुमिनोसे रोसेसी एंड लेगुमिनोसे ठीक है ऑब्वियसली फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपोर्ट लाइक यू नो पैटर्न पैटर्न क्या है दे आर गिविंग यू एन एग्जांपल एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं समझ रहे हो एक कैरेक्टरिस्टिक को पूछेंगे किस किस के पास होता है रोसेसी और लेगुमिनोसे ठीक है लाइकवाइज़

फंक्शन क्या है वो देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ये बेटा साइक्लिक साइकिलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटो फॉर्शनेशन टू दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट है ना साइक्लिक फॉर्फुलेशन क्या होता है उसमें बस एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज फोटोसिस्टम टू यस यस <laughs> yes, बेटा परफेक्ट अरे बंद क्यों हो गया चलो गाइस यस ऑनली फोर्स साइक्लिक साइक्लिकॉस नाउ नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगामी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाजमीन दू माइट मोटाइल एंड नॉन मोटाइल प्लाज्मोस के फ्यूजन को कहते हैं hey no. है? जो डेटा डेकिंग ऑर्गेजम से न्यूट्रिशन लेते हैं सम ऑफ दिक्स एटमोस नाइट्रोजन स्पेशल्स कॉल्ड एस शीत सेल्स नो है ना शीत सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती ठीक है बेटा ये तो लीव्स में होते हैं नेक्स्ट वन भैया ये क्वेश्चन सवाल खत्म क्यों नहीं होता बायोमोलिक्यूल्स <laughs> का है गाइस प्रोटीन ऑब्वियस देखो बेटा प्रोटीन देखो प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा पॉलीसेकेराइड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा न्यूक्लिक एसिड है तो फोस्फोडाइस बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सी प्रोटीन में बेटा पेप्टाइड प्रोटीन पेप्टाइड सेम है ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक सेम है उस तरह से भी आप कर सकते हो

नाइट्रोजन क्या होता है बेटा नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ बिकॉज नाइट्रोजन से हमें प्रोटीन मिलता है है ना तो बट नाइट्रोजन देखो हमारी बॉडी में हम ना एयर में बहुत ज्यादा होता है बट हम एयर से उसको ले नहीं पाते तो क्या से लेते हैं हम लोग वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द फूड विच वी ईट लाइक प्लांट वगैरह से हम प्रोटीन लेते हैं तो प्लांट को प्रोटीन कहां से मिलता है प्लांट भी नाइट्रोजन तो लेता नहीं है तो प्लांट क्या करता है बेटा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन गैस होती है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट एनओ टू एनओ थ्री में उसको पहले कन्वर्ट करते हैं NO2, NO3 में या फिर अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद उसको NO2, NO3 में कन्वर्ट करते हैं फिर प्लांट उसको करते हैं नाइट्रेट फॉर्म और फिर उससे प्रोटीन बनाता है, बनाता है है और अमीनो एसिड साइकिल समझे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है प्लांट उसको हवा से ले नहीं सकता तो उसको पहले उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है फिर उसे नाइट्रेट फिर नाइट्राइट फिर उसको खिलाया जाता है समझे बेटा यस yes. <laughs> समझे तो ये साइकिल होती है पूरी नाइट्रोजन साइकिल उसमें कौन से कौन से बैक्टीरियाज हैं वो सब थे ओ माय गॉड 200 क्वेश्चन हो गए गाइस क्लैप्स क्लैप्स एवरीवन क्लैप्स 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 वाओ ग्रिब अब वो कैसा लगा क्वेश्चन लेट मी लेट मी ओपन द चैट बॉक्स एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं गाइस क्या हाउ वाज द पेपर अकॉर्डिंग टू यू पीपल बेटा मुझे पता नहीं है जीशान खान कौन है ठीक है चलो एनी देते अच्छा रिया मिश्रा कह रही सर सर देते बेस्ट सुपर गुड क्वेश्चन बेटा आपने ध्यान से देखा द पेपर हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीआर दर इज लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम द एनसीआरटी ठीक है बच्चों तो प्लीज बी फोकस्ड ठीक है अंडरस्टैंड करो ठीक है कि पेपर कहां से आता है किस तरह का पेपर आता है सो दैट यू आर एबल टू डू आई एम एक्सपेक्टिंग थ्री ट्वेंटी टू इन बायो इट्स अ अ इज इट गुड स्कोर शिवम बेटा इट्स अ गुड स्कोर इट डिपेंड्स कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा गया बट आई गेस थ्री थर्टी टू इज एम नॉट एबल टू सॉल्व एनाडोमी एंड मॉफली क्वेश्चन टू डू इज रिवाइज इट मोर अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको रिवाइज करो दोबारा है ना मल्टीपल टाइम रिवाइज करो हा बेटा जरूर हा बेटा डेफिनेटलीशन फर्म ट फुड जॉब बेटा टेली फिजिक्स में कम आ रहे हैं बेटा दिस इज वॉट द प्रॉब बच्चे ना बायो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं है ना बच्चे बायो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं बट एक्चुअली में यू शुड डिवोट इक्वल टाइम टू बोथ ऑफ देम ठीक है actually, them, बायो हो जाती है बायो में आप टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो बायो में आपने पढ़ लिया जितना उतना पढ़ के आगे बढ़ा करो ठीक है एनसीईआरटी पढ़ ली क्वेश्चंस कर लिए आगे बढ़ा करो ज्यादा सोचो मत करो कुछ ठीक है यस वी विल सी एंड गाइस फॉर ऑफ यू जिनका अभी क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम है ठीक है या क्लास इलेवेंथ का टर्म का क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा वेदांतों में अब बच्चे बहुत सारे पूछे कि टर्म वन के लिए कैसे तैयारी करें बेटा दिस इज द वन टर्म वन और टर्म टू का क्रैश कोर्स चल रहा है विदांतों में इस, इसके अंदर क्या है बेटा द कॉस्ट इज सिक्सटी थ्री हंड्रेड रुपीज फॉर बोथ लाइट एंड क्लासिक है ना इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है ना आपको न्यू टर्म वन के पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाएंगे okay. आपके टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे ठीक है और जो भी आपके क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह नोट्स वगैरह वो तो बेसिक रहती है उसके अलावा रिविजन कोर्सेज भी होगा जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड ये तो आपका बैच हो गया टॉपिक स्पेसिफिक कोर्सेज भी चलते रहते हैं आप कोई भी उसमें भी एनरोल कर सकते हो इट्स एन अमेजिंग कोर्स गाइस ठीक है जिसको भी लगता है कि यार बहुत दिक्कत हो रही है समझ नहीं आ रहा है कि पास हो पाएंगे या यू नो लाइक फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपकी हालत सही नहीं है एंड यू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है यू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट

काटोगे भी ना कितना हो गया बाई चार कितना हो गया भैया तीन मंथ का है तो थ्री टू ट्वेंटी वन हंड्रेड बाई फोर ट्वेंटी वन हंड्रेड बाई फोर इट वुड कम अप अपू अराउंड फोर फाइव हंड्रेड थर्टी रुपीज पर सब्जेक्ट है ना फाइव हंड्रेड थर्टी रुपीज पर सब्जेक्ट जिसमें आप अनलिमिटेड पढ़ सकते हो अनलिमिटेड मतलब एक तो बैच तो है ही

उसमें एटी परसेंट ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपको नहीं चाहिए 80 से थोड़ा कम स्कोर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली चाहिए और आपको लगता है कि थोड़ा आपको स्कोर बूस्ट करना है हंड्रेड परसेंट गाइज गारंटी यू टेन परसेंट तो आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा ही होगा बाई दिससेस ओके तो ऑन दिस नोट कीप स्माइलिंग गाइस डेफिनेटली वी एम स्टार्ट यूट्यूब पे टर्म वन एंड टर्म टू का रिविजन स्टार्ट करेंगे है ना एंड वी वी विल विल मेक श्योर दैट यू डोंट सफर अगर आप यूट्यूब से पढ़ोगे ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है बट हाँ डोंट वरी वी नॉट री व्यू यूट्यूब पर भी पूरी पढ़ाई होगी बट आई वुड सजेस्ट अगर आप दीप रो पे पाओगे तो दैट दट वुल बेटर ऑप्शन और आपकी यू नो प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रेक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होती है और वहाँ पे कॉम्पिटिव एववायरमेंट होता है मल्टीपल क्विजेज होते हैं एक दिन में असाइनमेंट्स वगैरह तो एक शेड्यूल सा बना रहता है कुल तो बिकस है लुक एट इट एंड कीप स्माइलिंग लॉट्स ऑफ लव आई सी यू नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय बॉट बाय एंड आई सी यू टुमारो वन पे